नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट पेश किया है, पांचवा बजट पेश किया गया है। 57,432 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1152 करोड़, 88 लाख चिकित्सा परिवार कल्याण के लिए 3319 करोड़, 63 लाख का जो प्रावधान है। पेरी अर्बन योजना के लिए 328 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। पांचवा बजट पेश किया गया है त्रिवेंद्र सरकार की तरफ से। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पांचवा बजट पेश किया। 57,432 करोड़ रुपए का यह बजट पेश किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1152 करोड़ 88 लाख का प्रावधान, चिकित्सा परिवार कल्याण के लिए 3319 करोड़ 63 लाख का प्रावधान, पेरी अर्बन योजना के लिए 328 करोड़ का प्रावधान रखा गया है इस बजट में। बड़ी और अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पांचवा बजट पेश किया है और सबकी निगाहें इस बजट पर थी। हर वर्ग को इस बजट में क्या मिलेगा उसको लेकर सबकी निगाहें थी। और अब मुख्यमंत्री के पिटारे से क्या, त्रिवेंद्र सरकार के पिटारे से क्या कुछ निकला है वो सबके सामने है। चिकित्सा परिवार कल्याण के लिए एक बड़ा बजट रखा गया है। ₹8,8 करोड़ चिकित्सा परिवार कल्याण के लिए 3319.63 करोड़, पेरी अर्बन योजना के लिए भी एक बड़ा प्रावधान रखा गया है। क्या कुछ खास था इस बजट में, उम्मीदों का ये बजट था। बजट से जुड़ी बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। जमरानी बांध परियोजना के लिए 240 करोड़ का प्रावधान है मुख्यमंत्री। स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ का प्रावधान। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 110 करोड़ का प्रावधान है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1152.88 करोड़ का प्रावधान। चिकित्सा परिवार कल्याण के लिए 3319.63 करोड़ का प्रावधान। पेरी अर्बन योजना के लिए 328 करोड़ का प्रावधान है। जल जीवन मिशन के लिए 667.76 करोड़ का प्रावधान है। सीएम घसियारी कल्याण योजना के लिए भी बजट रखा गया। गन्ना भुगतान के लिए 245 करोड़ का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। उम्मीदों का बजट कह सकते हैं क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और ऐसे में इस बजट पर सबकी निगाहें थी कि आखिर ये बजट क्या हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा कर पाएगा। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए भी बजट में प्रावधान रखा गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए भी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1152.88 करोड़ का प्रावधान है। चिकित्सा परिवार कल्याण के लिए 3319.63 करोड़ का प्रावधान है। पेरी अर्बन योजना के लिए 328 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। तो पांचवा बजट पेश किया गया है त्रिवेंद्र सरकार की तरफ से और इस बजट पर सबकी निगाहें थी। खास बातें क्या इस बजट से जुड़ी हुई हैं वो आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ का प्रावधान है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 110 करोड़ का प्रावधान है। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए भी इसमें एक बड़ा बजट रखा गया है। चिकित्सा परिवार कल्याण के लिए 3300, जमरारी बांध परियोजना के लिए 240 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ का प्रावधान इस बजट में है। सबको इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी, उम्मीद थी कि यह बजट हर किसी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आएगा। कोरोना काल में जिस तरीके से आर्थिक स्थिति बिगड़ी है वही ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुभाष हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। सुभाष, अगर बजट की बात की जाए, आज बजट पेश हुआ है 57,000 करोड़ का बजट, ये जो है उसमें क्या कुछ खास आज के बजट में आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बजट था और ये सरकार का अंतिम बजट सत्र था क्योंकि देखा जा रहा है कि चुनावी वर्ष तो था। ऐसे में जो बजट से उम्मीद थी वो आम जनमानस की भी बहुत खास थी और विपक्ष के नेताओं की भी बहुत खास थी। साथ ही सरकार भी चाहती थी कुछ इस प्रकार का बजट वो लेकर आए जो कि सभी वर्ग के लोगों से जुड़ा हो। हालांकि अगर बजट की बात की जाए तो 57,400 करोड़ के लगभग लगभग पूरा बजट है और ऐसे में कहा जा सकता है काफी महत्वपूर्ण बजट भी है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीन बड़ी घोषणाएं भी इस बजट सत्र में की है। जैसे कि इससे पहले वाला जो बजट सत्र था उसमें मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, तो वहीं अगर इस खास बजट सत्र की बात की जाए तो इसमें
गैरसैंण को एक मंडल घोषित कर दिया, यानी कि अब तीसरा मंडल गैरसैंण होगा उत्तराखंड का। इससे पहले गढ़वाल मंडल हुआ करता था, कुमाऊं मंडल हुआ करता था, और अब जो कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उन्होंने बड़ी घोषणा की है कि गैरसैंण को अब तीसरा मंडल के रूप में घोषित किया, जिसमें कि अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले को रखा गया, यानी कि जो नगर नई नगर पंचायत नगर पालिकाएं या नगर पंचायत वहां बनेंगी उनको लेकर भी 1-1 करोड़ रुपए की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। खास बात यह रही कि गैरसैंण को नए टाउन के रूप में घोषित करना और खासतौर से उसको विकसित करना एक बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की। तो ऐसे में एक महीने का समय लिया गया जिसमें कि टाउन को लेकर जो यानी कहा जा सकता है एग्रीमेंट या फिर खासतौर से जो टेंडर प्रक्रिया है वो की जाएगी। तो कहा जा सकता है काफी महत्वपूर्ण बजट सत्र ये रहा है, और खासतौर से सभी वर्ग के लोगों को इस बजट सत्र में खासतौर से जगह दी गई, चाहे वो मिडिल क्लास के लोग हैं, लो क्लास के लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोगों, सभी लोगों के लिए इस बजट में काफी कुछ खास रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो गैरसैंण है उसको अब मंडल घोषित कर दिया गया, और गैरसैंण अब उत्तराखंड का तीसरा मंडल के रूप में देखा जाएगा। सुभाष, आप बने रहिए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार मनोज इष्टवाल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, अगर पूरे बजट को देखा जाए, सबकी निगाहें इस बजट पर थी, कोरोना काल के बाद जब आर्थिक स्थिति लोगों की बिगड़ रही थी, जब लॉकडाउन में बेरोजगारी का सामना लोग कर रहे थे, ऐसे में सबको उम्मीद थी कि ये बजट कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ खास लेकर आएगा। आपको क्या लगता है, ये उन उम्मीदों पर खरा उतर पाया बजट? उम्मीदों से ही पूरी दुनिया कायम है, और ये उम्मीदों के आधार पे हाल फिलहाल के हिसाब से लोग लुभावन बजट कह सकते हैं। सबसे ज्यादा इस बजट में अगर किसी विभाग को दिया गया तो वस्तु परिवार कल्याण को दिया गया है लगभग 3400 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य कल्याण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को दिया गया, शिक्षा को भी इसमें प्राथमिकता दी गई, और जन जीवन मिशन, मतलब ये तीनों चीजें स्वास्थ्य, जल और शिक्षा, ये तीनों ही उत्तराखंड की सबसे बड़ी बीमारी रही है, और इसके कारण यहाँ पलायन से पलायन हो रहा, कुछ पढ़ाने के चक्कर में गांव छोड़ते रहे, कुछ स्वास्थ्य के चक्कर में गांव छोड़ते रहे, और कुछ वो तो अपने पानी के चक्कर में पेयजल की समस्याओं को लेकर एक बहुत अच्छी पहल मुख्यमंत्री की मानी जा सकती है कि उन्होंने 1 रुपए में प्रत्येक गाँव में जल कनेक्शन देने की बात कही है। तो देखिएगा ये जल जीवन मिशन में के तहत क्या क्या कर पाएंगे आगामी इस वर्ष में, क्या सभी गांव जल के कनेक्टिविटी से जुड़ पाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना बजट इस बार के इसमें बजट में रखा गया है 2021-22 के लिए, तो स्वाभाविक ही बात है कि ये लगता है कि जरूर ये बजट पहाड़ की तरफ चढ़ेगा, और जो पहाड़ के 10 जिले हैं वहाँ कहीं ना कहीं कुछ नई क्रांति दिखने को मिलेगी। और लगता है कि साल में मुख्यमंत्री वो सारी 4 सालों की कसर पूरी करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तीसरा मंडल, 4.5 सालों की कसर पूरी करना चाहते हैं, तो कहीं ये चुनावी बजट तो नहीं है, क्योंकि हर बार बजट आता है तो क्या पूरी क्रियान्वयन में हो पाती है, क्योंकि बजट तो बहुत बड़ा रखा गया है, लेकिन आखिर में क्रियान्वयन कितना हो पाएगा उस पर भी सबकी निगाहें जरूर रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर चुनाव बजट नहीं होता तो इसका लोकवान बजट, मुझे लगता है कि 4 सालों में ये पहला बजट है जी। और पहली बार मुख्यमंत्री खुद बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोकलुभावन बजट तो है ही है, और चुनावी साल है तो चुनाव के लिए लोकलुभावन कहा जा सकता है। तीसरा मंडल इस बार माननीय मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को बनाने की एक नई घोषणा की है, पिछली बार उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण घोषित की, और इस समय तीसरा मंडल घोषित करके उस क्षेत्र के लोगों को, उस समुदाय को, जो अभी हाल में ही ये बजट सत्र के पहले दिन ही जो एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं लाठीचार्ज हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, कहीं ना कहीं उन घावों को महान बनने का काम किया है। और बजट के तहत जितने भी जैसे घटियारी योजना है, घटियारी योजना में 240 करोड़ उन्होंने रखे हैं, ये है नहीं कि कहा है कि यदि ये पहाड़ों के लिए भी पहाड़ के बीच में लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा मानना है।
मनोज जी, लगातार जब बजट आने वाला होता है तो बहुत सारे लोगों को उम्मीदें होती है, युवाओं को भी इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में लॉकडाउन के वक्त में लोगों की नौकरियां गई हैं, युवाओं की नौकरियां गई, सबको ये उम्मीद थी कि रोजगार को लेकर कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से किया जाएगा। इस बजट में आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा विजन रखा गया है जो युवाओं के लिए रोजगार में कुछ अलग लेकर आएगा, कुछ नया लेकर आएगा? देखिए, करीब सवाल साल करोड़ जो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उस पर होगा, और प्रधानमंत्री आवास योजना भी 197 करोड़ का इसमें बजट प्राविधान में है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि रोजगारों के, जैसे सीमांत क्षेत्र में मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना है उसमें 20 करोड़ का प्राविधान है, तो ये और ये जो पलायन रोकथाम योजना पर इस समय 18 करोड़ का एक प्राविधान बजट में है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ये बजट जो है उन पैरों को रोकने के लिए जो कोविड काल में यहाँ वापस आए थे और अब कहीं वापस न लौटे, फिर से पलायन न कर रहे, इस ह्यूमन माइग्रेशन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं स्वरोजगार की अप्रीतम कोशिश की है। कृषि का बजट बढ़ा के दिया है ताकि कृषि कार्य जो यहाँ की पहाड़ पे कृषि और पर्यटन ये दो मुख्य बिंदु है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं किसी जोड़कर स्वरोजगार की तरफ मुख्यमंत्री ध्यान युवाओं को ध्यान बढ़ाना चाहते हैं और युवाओं को रोकने के लिए कवायद। मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मेरे सहयोगी सुभाष भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सुभाष, अगर बात की जाए लोगों का, आपकी लोगों से अगर बात हुई है, आम जनता का क्या कुछ रिएक्शन इस पूरे बजट को लेकर आ रहा है, क्या उनको लग रहा है कि उनकी उम्मीदें पूरी हो पाई है इस बजट से? जी बिल्कुल, लगातार लोग उम्मीद कर रहे थे कि जो बजट है वो उनसे जुड़ा हुआ, और खासतौर से जिस तरीके से पलायन उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए एक जो बजट में कहीं ना कहीं प्रावधान होना चाहिए था, और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की इस जो बजट के पिटारे में है वो साफ तौर से नजर आए कि किसानों को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक बजट में अलग सा प्रावधान रखा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए पहाड़ों में रोजगार देना, पहाड़ों में लोगों को रोकना और पलायन जैसी जो बड़ी समस्याएं लगातार जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से जो समस्याएं आ रही है कि पलायन जो लगातार पहाड़ों से हो रहा है उसको रोकने के लिए जो बजट में जो प्रावधान किया है, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री द्वारा पलायन जो रोकथाम के लिए लगभग 18 करोड़ रुपए का प्रावधान मुख्यमंत्री ने किया है कि जो पलायन हो रहा है उसके लिए किस तरीके से उसे रोका जाए, क्या उसके लिए नीति बनाया जाए, किस तरीके से जो पहाड़ खाली हो रहे हैं उनको पहाड़ों में वापस बसाया जाए, उसके लिए लगभग 18 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। हालांकि इसके साथ एक बड़ा प्रावधान मुख्यमंत्री ने किया है कि मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास यानी कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, चाहे वो चमोली जनपद के माणा के क्षेत्र हों या फिर अन्य ऐसे क्षेत्र जो बॉर्डर एरिया से लगे हैं जहाँ संख्या बहुत कम लोगों की हो चुकी है और लगातार लोग नौकरी के लिए या रोजगार के लिए मैदानी क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो उन क्षेत्रों के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए का बजट इस त्रिवेंद्र सरकार ने रखा है कि लोग वहां रुकें, किस तरीके से काम करें, रोजगार बढ़े और जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर किसी मैदानी क्षेत्र में ना जाएं, तो उसके लिए भी एक बड़ा प्रावधान मुख्यमंत्री द्वारा इस बजट में रखा गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि लोगों को रोजगार किस तरीके से मिले, लोग किस तरीके से अपने क्षेत्र में ही काम कर पाए, तो उसके लिए एक बड़ा बजट मुख्यमंत्री द्वारा रखा गया है जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसमें लगभग 94 करोड़ 45 लाख का बजट मुख्यमंत्री की इस बजट में रखा गया है, यानी कि सारे में काफी बड़ा बजट इस पे रखा गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो लोगों को पहाड़ों में रहने के लिए आवास हो उसके लिए भी एक बड़ा बजट रखा गया है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लगभग 197 करोड़। सुभाष, हर वर्ग को छूने की कोशिश इस बजट में की गई है। मनोज जी, आपके पास लौटूंगी, अगर बात की जाए बजट की, चलिए अच्छी बातें हमने कर ली, अगर देखा जाए इस बजट में क्या कुछ ऐसी कमियां हैं जो आपको लगता है कि इस बजट में हो सकती थी, जिन्हें और बेहतर किया जा सकता था, जिससे जनता को, जो भी वर्ग है उनको और बेहतर तरीके से जो उनकी उम्मीदों को पूरा किया जा सकता था? लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इससे अभी भी गुंजाइश थी, कई पर्याप्त संसाधन होने चाहिए थे, जैसे होम स्टे पर्यटन के तहत इन्होंने होम स्टे लाएंगे, 5 लाख होम स्टे बनाएंगे और वो पिछले साल तक लक्ष्य था, हम 2000 होम स्टे नहीं बना पाए। वहां बैंक के साथ जितने भी बैंकर्स हैं या बैंक हैं, सरकारी बैंक हो चाहे वो स्टेट बैंक हो, कोई भी बैंक हो,
उनके साथ मेरे ख्याल से तारंगपन में बैठ नहीं पाए, और बजट में अगर युवाओं को रोकने के लिए और युवाओं के रोजगार को लेके सरकार ने गंभीरता से काम करना है, तो मुझे लगता है कि यहाँ अभी कुछ गुंजाइश थी वो ग्रामीणों में स्वरोजगार के लिए एक नई पहल को और मजबूती से आगे बढ़ाए। वही इसके लिए भी बजट है, शिक्षा बहुत अच्छा बजट है, समाज कल्याण शिक्षा में अपने 1154 जी जी मनोज जी, हमारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ और बेहतर यहाँ पर किया जा सकता था। सुभाष आपके पास लौटूंगी, अगर अभी बात की जाए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा समस्या होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या होती है, तो इस बजट में कैसे देख पा रहे हैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किस तरीके से सरकार की तरफ से प्रावधान किया गया है? जैसे कि आपने कहा पहाड़ी राज्य है, पहाड़ में सबसे जरूर है कि हर व्यक्ति के पास अपना मकान हो, रोजगार हो, कुल मिला के किसानी जैसे काम करने के लिए कम से कम ऐसी जमीन हो जो कि उपजाऊ हो, और सरकार उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आए, और इस बजट में भी वो देखा गया। लगभग अगर बात की जाए प्रधानमंत्री आवास योजना के, तो लगभग 197 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, यानी कि जो लोग पहाड़ों में रुकना चाहते हैं, जिनके पास अपना आवास और खासतौर से छत होना बहुत जरूरी है किसी भी क्षेत्र में, और उसके लिए कहा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण जगह इस बजट में दी गई है। वहीं अगर किसानी की बात की जाए तो किसानों पर मेन फोकस इस बजट में रखा गया है, यानी कि अगर बात की जाए किसानों की आय दुगुना करने के लिए लगभग 87.56 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है, यानी कि अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग बजट रखा गया है, क्योंकि देखा जाता है कि उत्तराखंड में गन्ना का भुगतान के लिए लगातार जो किसान है वो आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, तो इसके लिए एक विशेष अब बजट में प्रावधान किया, लगभग 243 करोड़ रुपए का प्रावधान गन्ना मूल के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बजट में रखा गया। वहीं अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री राज्य किसान योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट इस खास बजट सत्र में रखा गया, तो कहा सकते हैं कि जो किसान है उनको मजबूत करना, उनकी आय दुगना करना, और खासतौर से पहाड़ी राज्य में जो किसान सीढ़ी नुमा खेती करते हैं उन लोगों को वहां रोकना, और उनके लिए बेहतर काम करने के लिए जो योजनाओं में लगभग 12 करोड़ से अधिक का प्रावधान इस बजट में किया गया, यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि सरकार का मेन फोकस था बेरोजगारी दूर करना, लोगों को रोजगार देना, और सबसे बड़ी चीज थी कि क्योंकि पहाड़ी राज्य है तो पहाड़ों में जो लोग बिल्कुल सुभाष पहाड़ी राज्यों में इन सारे मुद्दों पर तो ध्यान दिया गया है, साथ ही साथ खेलों को लेकर भी 110 करोड़ का प्रावधान जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर रखा गया है, उसको किस तरीके से देखेंगे? जी बिल्कुल, खासतौर से क्योंकि खेलों में ये देखा गया कि उत्तराखंड के जो युवा खासतौर से क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और मैदानी क्षेत्र के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आते हैं पहाड़ की तुलना में, क्योंकि पहाड़ में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो सुविधाएं नहीं है, खेल कूद के लिए वो सुविधाएं अभी तक उन लोगों को नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस सरकार में जिस तरीके से खेल के लिए एक अलग से बजट रखा गया, तो उम्मीद की जा रही है कि पहाड़ में जो युवा लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो भारत टीम के लिए खेले, उत्तराखंड के लिए खेले, तो उनके लिए एक बेहतर मौका है कि सरकार की जो बजट है उसका लाभ उन लोगों को मिल पाए, क्योंकि देखा जाता है कि पहाड़ के जो युवा हैं वो पहाड़ से निकलने के बाद जब मैदानी क्षेत्र में आते हैं, चाहे वो राजधानी देहरादून आए, हरिद्वार आए, तब जाकर उनकी जो प्रतिभा वो निखर के आती है, उसके बाद वो लैम लाइट में आते हैं, तब पता चलता है कि वो युवा इस पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला था लेकिन उसको उस क्षेत्र में जगह नहीं मिल पाई, और कई बार ये देखा जाता है कि उन लोगों को दिल्ली चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों की टीमों से खेलना पड़ता है। लेकिन ये जिस तरीके से इस बार किसान के साथ साथ खेल, युवा, बेरोजगारी और शिक्षा पर खास ध्यान दिया गया है, तो कहा जा सकता है कि बेहतर बजट है, और उन खेल प्रेमियों के लिए भी अच्छा बजट है जो खेलना तो जरूर चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता, और जिस तरीके से त्रिवेंद्र सरकार ने इस बार खेल के लिए एक विशेष बजट रखा है, तो ये कहा जा सकता है कि हर वर्ग को छूने की कोशिश करिए। लगातार हम यही कह रहे हैं कि ये चुनावी बजट ना होकर विजन वाला बजट हो तो ज्यादा बेहतर होगा। मनोज जी आपके पास लौटूंगी, क्योंकि बजट बहुत बड़ा रखा गया है, और ऐसे में जब कोरोना काल में आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, और ऐसे में एक बड़ा सवाल ये होगा कि जो जिस तरीके से जो बजट रखा गया है क्या उतना खर्च हो पाएगा, उतना जो है वो कमाई भी तो प्रदेश के पास होनी चाहिए, उस तरीके का जो होना चाहिए कि आपके पास जो है ये कह सकते हैं कि आपके पास जितना है उतने में खर्च कर पाएंगे, और आपने बड़ा बजट रखा है, क्या उतना खर्च करने के लिए आपके पास प्रदेश की उतनी कमाई हो पाएगी, ये भी तो एक बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये बहुत बड़ा सवाल है। पहले 56,900 करोड़ की बात हो रही थी, अब 57,400 करोड़ का बजट रखा गया है 2021-22 के लिए। इसमें कई चीजें ऐसी हैं कि अब मुझे लगता है कि ये
बजट की सबसे ज्यादा दरकार उन विभागों को और उन सैलरी पे जाएगा, काफी हिस्सा तो सैलरी पे जाएगा, लेकिन इतना बड़ा बजट कुछ महीनों में, पूरा साल भर भी नहीं है सरकार के पास, क्या सरकार मार्च 2022 तक चुनाव से पहले पहले इतने बड़े बजट का, इतने भारी भरी कम बजट का आधा हिस्सा कट कर पाएगी? सबसे बड़ा प्रश्न तो मेरा ये खड़ा हो रहा है इसमें। रही बात, मैंने कहा था कि एक्चुअली लाइन कट गई थी कि समाज कल्याण के अंतर्गत जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक लोक लुभावन स्तर दिख रहा है, 1152,88,00,000 का ये बजट रखा गया है, तो कहीं ना कहीं समाज को इसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है। गरीब तबका शामिल होगा, गरीब तबके की जो कईयों की पेंशन नहीं पहुंच रही टाइम पे, कईयों का जो गरीब छात्र पढ़ रहे हैं बेसिकली 80-80 छात्रों का जो शुल्क पहुंच नहीं पाया इस विभाग में घर द्वारा, तो उसकी क्षतिपूर्ति करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, सवाल यही होता है कि योजनाएं बना दी जाती है, बजट में प्रावधान भी रखा जाता है योजनाओं को लेकर, लेकिन उनका क्रियान्वयन कितना हो पाता है, ये बड़ा सवाल हर बार रहता है। बिल्कुल, ये क्रियान्वयन के लिए तो लठ गाड़ के खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। देखिए, ऊंचे स्तर पर सारे बजट बन जाते हैं, निचले स्तर पर कोई काम करने को तैयार नहीं है, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो। अगर वो ईमानदारी से अगर सरकार के साथ मिलकर कर्मचारी या अधिकारी करता है तो स्वाभाविक तौर पर है कि भाजपा के लिए शुभ संदेश होगा। आप शिक्षा के क्षेत्र में मनोज जी, बहुत कम वक्त बचा है मेरे पास, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि पूरे बजट को लेकर, पूरे इस बजट को लेकर कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरा इसको लेकर कि आपको किस तरीके का बजट आज का लगा है? ये बजट चुनावी साल को देख के लोक लुभावन बजट है और कहीं आशाएं भी पैदा करता है आम जनों के लिए, आम जनता के लिए। मुझे लगता है कि समय का जो बजट है वो पहाड़ के 10 जिलों में जरूर चढ़ेगा और वहां तक पहुंच बनाएगा, क्योंकि अभी तक मैदानी भूभाग में ही ये बजट की खपत ज्यादा होती थी, क्योंकि यहाँ आपको देहरादून जिला हुआ, उधम सिंह नगर हुआ, हरिद्वार में मैंने पहले भी कहा था कि 60% बजट तो यही खर्च होता है। इस समय लगता है कि आधे से ज्यादा बजट पहाड़ों के लिए, पहाड़ों को के लिए मुफीद होगा, क्योंकि बजट में जितनी योजनाएं हैं उनके आधार पर ये लगता है कि ये पहाड़ के लिए योजनाएं बनाई गई। बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपने बजट को लेकर अपनी तमाम राय यहाँ पर रखी। सुभाष, आपका भी बहुत शुक्रिया, जो पूरी जानकारी आपने यहाँ पर दर्शकों के साथ साझा की। उत्तराखंड का ये बजट आ गया है, बहुत सारी उम्मीदें लेकर आया है, हर वर्ग को छूने की कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन अब निगाहें इस बात पर कि इस बजट का क्रियान्वयन कितना हो